पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है उसको देख के आई थिंक इट्स सेफ टू से दैट वी डोंट लिव इन अ डेमोक्रेसी, रादर वी लिव इन अ हिपोक्रेसी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ये बहुत ही बोल्ड और बड़ा स्टेटमेंट लग रहा होगा। हाल ही में कंगना रनौत के अगेंस्ट एक ट्वीट काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में आया, विच वॉज मेड बाय सुप्रिया श्रीनेत, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शी इज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट एंड एसोसिएटेड विद कांग्रेस एज वेल। उन्होंने ये ट्वीट डाला जिसको हम बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते हैं। जिस तरीके की भाषा उन्होंने यूज की, जैसी लैंग्वेज यूज की, मी बीइंग अ वुमन एंड अ लॉयर माई सेल्फ, बिल्कुल भी इस तरीके के लैंग्वेज की और इस तरीके की रादर भावना की हम एंडोर्समेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई वॉन्ट टू पुट दिस आउट देयर। बात यह है कि आज से कुछ 65 दिन बचे हुए हैं हमारे इलेक्शंस के लिए, ऐसे इलेक्शंस जो शायद अगले आने वाले सिर्फ 5 साल नहीं, शायद 100 साल तक हमारा देश कहाँ जाएगा डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि एक बार सरकार बनती है, सत्ता पलट होती है, उसके बाद सालों तक उसका असर रहता है। तो ये 65 दिन जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, जो एक्चुअली हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, इन 65 दिनों में मैं बताती हूँ आपको क्या चल रहा है, और वो भी पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द कंट्री ये चला रहे हैं। सबसे पहले ये ट्वीट आया, अगेन डिस्क्लेमर कि हम बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, बट पहला वाला सेंटेंस जो मैंने बोला था वो याद कीजिए, वी डोंट लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी लिव इन अ हिपोक्रेसी नाउ। क्योंकि जो हमारे खुद के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी ये हरकतें हैं। यहाँ पे इनने ट्वीट डाला। फिर एक और कांग्रेस के गुजरात के लीडर हैं जिनका नाम है मिस्टर HS आहिर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनका ट्वीट इस तरीके का था कि उसको बिना ब्लर किए हम दिखा भी नहीं सकते, इतना ज्यादा वाइल्ड ऑफेंसिव लैंग्वेज उन्होंने यूज की थी। मतलब कंप्लीट उनकी मेंटालिटी दिखाता है और रादर काफी कुछ दिखा देता है कि आप किस तरीके से औरतों के बारे में सोचते हैं। अगेन वेरी डेंजरस इस तरीके के लीडर्स अगर हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बात कहाँ पर आती है कि ये ट्वीट्स जब आए, स्पेशली सुप्रिया श्रीनाटे का, इन दोनों ने ही पहले स्टेटमेंट आके दिया। उन्होंने क्या बोला कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया, मेरा इंस्टाग्राम या रादर ट्विटर कोई और हैंडल करता है। उन्होंने इस टाइप के ओपिनियन डाले। जैसे ही मुझे पता चला मैंने ट्वीट हटवाया, एंड एक तरीके की उन्होंने बेसिकली जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, बट उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं होती, मैं होती तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। हालांकि बात यह भी है कि अगर आपका ट्विटर हैंडल कोई और मीडिया पर्सन हैंडल कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है क्योंकि नाम आपका है। सेम मिस्टर HS आहिर ने भी बोला, उन्होंने भी यही बोला कि अगर मेरा ट्विटर कोई और हैंडल कर रहा है तो मेरी कहाँ से जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने भी अपने हाथ और कदम पीछे ले लिए। ठीक है, हिपोक्रेसी की बात कहाँ आती है, जब ये ट्वीट्स वापस ले लिए गए। आप अब मंडी से इलेक्शन लड़ने खड़ी हो रही हैं, कंगना की बात कर रही हूँ मैं, बीजेपी ने उनको टिकट दी है मंडी से इलेक्शंस लड़ने के लिए, तो नाउ यू हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आता है बहुत ऑफेंसिव चीजें कही गई हैं, यू आपका लाजमी है हर्ट होना, पूरा पूरा लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर अब एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देश को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टीयर करने वाले हैं। जब आप देश को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टीयर करने वाले हैं, तो क्या इस तरीके की हिपोक्रेसी आपकी चल सकती है। ये कंगना का ही ट्वीट है 2021 का, और इसके अलावा मैं 3-4 ऐसे बहुत सारे ट्वीट दिखा सकती हूँ। हालांकि हमारे पास टाइम की पॉसिटी होने के कारण हम नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ कंगना ने बोला है रेहाना की पिक्चर डाल के कि राइट विंग रोल मॉडल वर्सेस लेफ्ट विंग रोल मॉडल, आई रेस्ट माई केस। अब यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रही है, इफ शी इज नॉट ट्राइंग टू शेम अ वुमन इन अ सिमिलर वे। सेम यहाँ पे तापसी पन्नू ने एक ओपिनियन दिया था कि एक ट्वीट अगर आपकी यूनिटी को रैटल कर देता है, आपके रिलीजियस बिलीफ्स को रैटल कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उनका ओपिनियन हो, यहाँ आप इनकी लैंग्वेज देखिए, तेरी माँ को गाली दू इट विल रैटल योर बिलीफ डम्बो, तुम्हारे जैसी दूसरों के रोटियों पे पलने वाली, ऑल दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। मतलब आप समझ रहे हो आप किस बेसिस पे मॉरल हाईग्राउंड ले रहे हो। चलो ठीक है, उन्होंने ट्वीट वापस लिया ना, यू कैन बी अ बिगर पर्सन। जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हो, आप देश को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, आपके लोगों को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, आप इस पोजीशन पे पहुंचकर भी, दिस इज व्हाट, अगर 65 दिन बचे हुए हैं, बहुत अहम इलेक्शंस हैं, आपको भी पता है कितने ज्यादा अहम है, कितना ज्यादा देश के फ्यूचर को ये डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो क्या आपको वोटर्स का, पूरे देश का ध्यान आकर्षित करके अपने ऊपर रखना चाहिए, या फिलहाल के लिए भले ही ऑफेंसिव हो, है ऑफेंसिव, बहुत ऑफेंसिव है, कोई
कोई भी किसी भी औरत के खिलाफ, ना इस तरीके की, ना जैसी कंगना के खिलाफ यूज की उस तरीके की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए. औरत क्या, मैं तो बोलती हूँ किसी भी इंसान के खिलाफ, वाई नॉट, नॉट जस्ट वुमेन, एवरी पर्सन डिजर्व्स रिस्पेक्ट. क्या अगर वो पॉलिटिक्स में खड़े हो गए, मतलब वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं? मतलब आप उनको कुछ भी बोलोगे, उनकी माँ बहनों को कुछ भी बोलेंगे? नॉट एट ऑल. सेम ऐसा ट्वीट उन्होंने दादी के बारे में किया था. सो इफ दिस इज नॉट, शी इज अवेलेबल इन 100 रुपीज, इफ दिस इज नॉट हिपोक्रेसी, आई डोंट नो वॉट इज. तो जब आपको ये पता है तो क्या जरूरी है इस टाइम पे इस पूरे मुद्दे को इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बनाना? दिस इज माय ओपिनियन ऑन इट. अच्छा, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन की तो बात ही नहीं करते हैं. मणिपुर वायलेंस चलता रहा एक्टिवली, देर आर केसेस, मणिपुर में औरतों के रेप्स हो रहे थे, लड़कियों को रस्सी से बांध के पेड़ों पे टांगा जा रहा था. नेशनल कमीशन वॉज फॉर वुमेन कुछ खास नहीं कर पाई. इसके अलावा भी हजारों बार केसेस हो चुके हैं. आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए. बहुत ही जोरों शोरों से सेलिब्रेट करके हमने एनसीडब्ल्यू बनाया था, बट शायद उतना जोरों शोरों से एनसीडब्ल्यू हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर पाई. एनसीडब्ल्यू ने इलेक्शन कमीशन को तुरंत नोटिस इशू करते हुए कहा है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो कि अच्छी बात है. यही एक्सपेक्टेशन थी हमारी एनसीडब्ल्यू से, बहुत अच्छी बात है. लेकिन यहां पर इतना बड़ा एक्शन और एक पूरे गांव की महिलाएं जूझ रही है, आपसे भीख मांग रही है हेल्प की, वहां पे कोई एक्शन नहीं. अगर ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? एंड इज दिस वेयर आर कंट्री इज गोइंग राइट नाउ? दिस इज अ वेरी डीप थॉट एंड आई वांट यू ऑल, मेरे को पता है यहाँ कमेंट्स में किस तरीके के आने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ओपिनियंस और लोग होंगे. दिस इज माई ओपिनियन, बट आप जिस भी तरीके का थॉट होल्ड करते हैं, आई वॉन्ट यू टू होल्ड अ थॉट. मैं चाहती हूँ आप दिमाग चलाएं, आप दिमाग में इस थॉट को होल्ड करें और आप ये सोचें कि इज दिस वेयर you see our country in the next probably 70 years down the line.